हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा स्कीम जो राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड RSM SSB राजस्थान सिलेक्शन एंड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है ये जो है भर्ती करवा रहा है जूनियर असिस्टेंट की, तो इसके लिए परीक्षा स्कीम जो है निम्नानुसार है। प्रतियोगी परीक्षा में जो है निम्नलिखित प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा। मतलब प्रश्न पत्र जो है फेज फर्स्ट में दो जो आपके पेपर होंगे, तीन तीन घंटे के दोनों पेपर होंगे और ये 100-100 नंबर के होंगे। मतलब 200 नंबर के दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे और ये एक ही वन डे एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन होंगे दोनों पेपर और तीन तीन घंटे के पेपर होंगे। पहले जो पहला जो पेपर होगा फेज फर्स्ट का, उसमें क्या आपको सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पहले पेपर में फेज फर्स्ट का। और सेकंड पेपर में आपसे सामान्य हिंदी और इंग्लिश के जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 75 तो हिंदी के और 75 ही इंग्लिश के। तो इस तरह आपसे सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश से संबंधित 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो है इसके मार्क्स होंगे टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 100 नंबर का पेपर होगा और दोनों ही पेपर तीन तीन घंटे के होंगे। वन डे एग्ज़ाम होगी, मतलब एक ही दिन दोनों पेपर होंगे। जो है कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो ये एग्ज़ाम होगी अलग अलग तीन तीन घंटे की होगी, ये अलग अलग डे में होगी या एक ही डे में होगी, तो ये वन डे एग्ज़ाम है और दोनों ही एक ही दिन होंगी, हो कभी भी लेकिन दोनों एक ही दिन होना है एग्ज़ाम को। तो ये तीन तीन घंटे की एग्ज़ाम है, जो वन डे एग्ज़ाम है। और इसके बाद जो फैक्ट पहला पेज में फेज फर्स्ट में है, दो पेपर हैं तीन तीन घंटे के, तो ये 200 मार्क्स होंगे इसके दोनों के। और फेज सेकंड में इसमें क्या है कि टाइपिंग है, टाइपिंग दोनों में है इसमें, कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण और इंग्लिश में टाइपिंग दोनों में है और 25-25 नंबर की टाइपिंग है इसमें स्पीड के लिए। और स्किल टेस्ट भी है 25-25 नंबर का, मतलब हिंदी में आप जो स्पीड टेस्ट है 25 नंबर का और स्किल टेस्ट कितने का है 25 नंबर का। मतलब हिंदी का जो पोर्शन है उसमें आप जो है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मिलाकर 50 नंबर की है, तो मतलब टोटल टाइपिंग का जो सिस्टम है पूरा ये 100 नंबर का है और पेपर का जो सिस्टम है 200 नंबर का है। मतलब और इसमें जो है कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण, इंग्लिश में जो स्पीड टेस्ट होगा वो 25 नंबर का होगा और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसी के साथ स्किल टेस्ट भी होगा इंग्लिश में, 25 नंबर का होगा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह है 50 नंबर की हिंदी की टाइपिंग है और स्किल टेस्ट है और 50 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग और स्किल टेस्ट है। ये दोनों 50-50 नंबर के, मतलब टाइपिंग का जो पोर्शन है ये 100 नंबर का है, 100 नंबर का है और पेपर का जो है 200 नंबर का है। इसमें दो पेपर होंगे, तीन तीन घंटे के पेपर होंगे इसमें। और इसमें एक नोट लगाया गया है कि निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज फर्स्ट में प्राप्त एवरेज अंक औसत अंक दिए जाएंगे। जो फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनकी टाइपिंग नहीं होगी, उनका वो जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, उनको क्या किया जाएगा कि फेज फर्स्ट जो पेपर हैं पेपर के आधार पर ही, पेपर के बेस पर ही जो पेपर में उनको एवरेज जो मार्क्स आए हैं उन्हीं के आधार पर उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उनका जो है मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसमें जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होगी, जो भी फिजिकल हैंडीकैप है जो है। और ये जो है राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड करवा ही रहा है।